इस फिल्म की शुरुआत उसी सीन से होती है जब नरगिस को इंजेक्शन लगाकर उसका रेप कर दिया जाता है और यह नरगिस सपना देख रही होती है, क्योंकि अब हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, इसीलिए समीर ने पूरे घर को डेकोरेट करा होता है और वे नरगिस के लिए कुछ स्पेशल खाने के लिए भी बनाता है, लेकिन नरगिस उसे कहती है कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद वह दोनों डॉक्टर के पास आ जाते हैं क्योंकि नरगिस काफी स्ट्रांग मेडिसिन ले रही है। वह अभी तक भी अपनी किडनैपिंग से और उसके साथ जो हुआ है उससे बाहर नहीं निकली है, वह डिप्रेशन से जूझ रही है। जब डॉक्टर उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे ऊपर मेडिसिन्स का कुछ असर हो रहा है, तुम अच्छा फील कर रही हो, तब समीर कहता है कि अब हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन नरगिस कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ पहले जैसा ही है। मैं 3 जॉब छोड़ चुकी हूँ, जिस गली से चौराहे से जाती हूँ लोग मुझे घूर कर देखते हैं और उन्हें सब पता है कि ये वही लड़की है जिसका दूसरे देश में अपहरण हुआ था। नरगिस डॉक्टर को कहती है कि वे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं चल रही है, क्योंकि उसका इतनी बार रेप हुआ है कि वह उस बात को भूल ही नहीं पा रही है। इसीलिए वह डॉक्टर को कहती है कि समीर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो एक जिंदा लाश के साथ रह रहा है। समीर डॉक्टर को कहता है कि क्या हम बच्चा ट्राई कर सकते हैं, शायद बच्चा होने के बाद नरगिस ठीक हो जाए। डॉक्टर कहती है कि नरगिस बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन ले रही है, इस वजह से नरगिस का प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं है। समीर दरगाह में जाता है, वे दुआ मांगता है कि उनकी लाइफ के अंदर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। समीर को अपनी शादी का दिन याद आने लगता है और इधर नरगिस को भी अपनी शादी का दिन याद आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समीर अपने दोस्त दीपक के घर पर होता है, क्योंकि दीपक के भैया और भाभी मर चुके हैं और समीर वहां पर उन्हें संवेदना देने जाता है। दीपक समीर को बताता है कि भैया और भाभी दोनों साथ चले गए, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी इकलौती बेटी नंदिनी को मैं कैसे संभालूंगा, रिश्तेदारों ने इसे संभालने के लिए मना कर दिया। एक्चुअली दीपक एक ट्रेवलर होता है जो पूरे देश में घूमता रहता है और वे नंदिनी को नहीं संभाल सकता। तभी फिर समीर उससे कहता है कि अगर नंदिनी एक सप्ताह मेरे घर पर रहे और उस टाइम में नरगिस को नंदिनी पसंद आ गई तो फिर हम नंदिनी को अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनकर दीपक इमोशनल हो जाता है और वो समीर को गले लगा लेता है। समीर नंदिनी को लेकर अपने घर आ जाता है और नरगिस को बताता है कि ये मेरे दोस्त दीपक की भतीजी है जो इस सप्ताह हमारे साथ ही रहेगी। नंदिनी के आने के बाद भी नरगिस थोड़ी बहुत भी खुश नहीं होती है, उल्टा वो तो अब और भी गुस्से में रहने लग जाती है क्योंकि उनके घर में नंदिनी आ गई है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि समीर एक न्यू कार खरीद लेता है ताकि फिर नरगिस को लोगों से अपना मुंह छिपाना ना पड़े। नरगिस नंदिनी की वजह से इसीलिए गुस्से में रहने लग जाती है क्योंकि नंदिनी उसकी बच्ची नहीं है और वे डॉक्टर को बताती है कि शादी के बाद के कई अरमान थे, उनके भी बच्चे होंगे लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो सके। डॉक्टर नरगिस को समझाती है कि नंदिनी भी तुम्हारी तरह ही है, उसे भी किसी की जरूरत है, वो अकेली है, टूटी हुई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर कोई चीज टूट जाए तो हम उसे वापस जोड़ सकते हैं। नंदिनी को तुम्हारे प्यार की जरूरत है, जिंदगी टूटी हुई है लेकिन उसे ऐसे तो खत्म नहीं कर सकते, शायद खुदा का यही तरीका है दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि नरगिस अब गुस्से की बजाय नंदिनी को प्यार से देखती है और उसे बाहर खेलने के लिए भेज देती है, लेकिन तभी नंदिनी की बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसे पड़ोस का कुत्ता काट लेता है। तभी नरगिस भाग कर बाहर आती है और उस कुत्ते को दूर भगा देती है, लेकिन वह कुत्ता नंदिनी को काट जाता है और साथ ही नरगिस के पैर को भी काट लेता है। नरगिस इमीडिएटली नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाती है। रात को जब समीर अपने काम से घर पर वापस आता है तब नरगिस उसे बताती है कि पड़ोसी के कुत्ते ने नंदिनी को काट लिया था और साथ ही उसके पैर को भी। नरगिस कहती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। सुबह नरगिस नंदिनी को अपने हाथों से खाना खिलाती है, ये देखकर समीर खुश हो जाता है। तभी फिर समीर नरगिस को कहता है कि 1 हफ्ता हो चुका है और अब दीपक नंदिनी को लेने आने वाला है, उसने एक फैमिली को देख लिया है जो नंदिनी को अडॉप्ट करने वाली है। ये बात सुनकर नरगिस थोड़ा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसका नंदिनी के साथ एक कनेक्शन सा चुका है और वे नंदिनी को अपने से दूर नहीं करना चाहती है। इसीलिए वे समीर को कहती है कि क्या हम नंदिनी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब समीर भी यही चाहता था इसीलिए वे हाँ कर देता है, लेकिन फिर ये दोनों नंदिनी से पूछते हैं कि क्या वे हमेशा के लिए उनके साथ रहना पसंद करेगी। तभी फिर नंदिनी नरगिस के गले लग जाती है, तभी वे दोनों समझ जाते हैं कि नंदिनी उनके साथ रहना चाहती है। इसीलिए फिर ये नंदिनी को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं और अब फाइनली नरगिस के चेहरे पर वो स्माइल वापस आ ही जाती है जो कब से समीर देखना चाहता था। नंदिनी की वजह से नरगिस बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अब फाइनली माँ बन चुकी है। नंदिनी भी बहुत खुश हो चुकी है क्योंकि उसे समीर और नरगिस का साथ मिल गया। अब समीर की लाइफ खुशियों से भर जाती है। ये लोग नंदिनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए एक अलग रूम को रिनोवेट भी करते हैं। नरगिस भी अब डिप्रेशन से बाहर आ जाती है, इसीलिए वो फिर समीर के साथ सोने लग जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जब नंदिनी को उसके ही स्कूल की लड़की सीमा आइसक्रीम खिलाने के लिए कुल्फी वाले चाचा के पास ले जाती है और जब वह कुल्फी लेते हैं तभी वहां पर एक ब्लू वैन के अंदर उसी स्कूल के लड़के गन लेकर आ जाते हैं और सीमा के साथ नंदिनी को उठाकर उस वैन में डालकर वहां से ले जाते हैं। वो कुल्फी वाले चाचा वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उन लड़कों के पास गन होती है। स्कूल वाले समीर को बता देते हैं कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। इस वजह से फिर समीर स्कूल पहुंच जाता है जहां कुल्फी वाले चाचा उसे सब कुछ बता देते हैं लेकिन उन्हें सही से नहीं दिखता है। इस वजह से वे वैन के नंबर को नोट नहीं कर पाते। अब हम उन लड़कों को देखते हैं जिन्होंने सीमा को किडनैप किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लड़कों में से एक लड़का बिच्छू सीमा से प्यार करता है लेकिन सीमा उसे कभी भी भाव नहीं देती थी। इस वजह से उसने सीमा को किडनैप कर लिया लेकिन नंदिनी सीमा को छोड़ नहीं रही थी। इस वजह से वो लड़के नंदिनी को भी अपने साथ ले आए। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेवजह ही नंदिनी को इन लड़कों ने पकड़ रखा है। नरगिस समीर को कहती है कि अभी तक नंदिनी स्कूल से घर नहीं आई है। दरअसल नरगिस को नंदिनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और समीर भी उसे कुछ भी नहीं बताता है। इधर समीर पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि लखनऊ पुलिस चारों तरफ से उस वैन को ढूंढ रही है लेकिन समीर को पता होता है कि अगर वो पुलिस के चक्कर में रहा तो उसकी बेटी उसे नहीं मिलेगी। इस वजह से वह बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन समीर के गुस्से की वजह से इंस्पेक्टर भड़क जाता है। तभी फिर समीर उस कुल्फी वाले चाचा को कहता है कि आपने उस वैन को किस तरफ जाते हुए देखा था। फिर वो कुल्फी वाला चाचा समीर को बता देता है कि वैन किस तरफ गई थी। इसके बाद समीर एक ज्वेलरी शॉप में आता है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। सीसीटीवी कैमरे में समीर को वो वैन दिख जाती है। कुल्फी वाले चाचा समीर को बताते हैं कि ये रास्ता तो शहर के बाहर जाता है। इसके बाद हम ठाकुर अम्मा को देखते हैं जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है और साथ ही वह पावरफुल भी होती है जिसे पुलिस मिलने आती है। इसके बाद ठाकुर अम्मा उस वैन ड्राइवर को फोन करती है और उसे सच पूछती है। फिर वो वैन ड्राइवर सब कुछ बता देता है कि उसके पोते बिच्छू और उसके दोस्तों ने एक 15 साल की लड़की और एक 5 साल की लड़की को स्कूल से उठा लिया है और उन दोनों का रेप कर दिया है। ये सुनने के बाद ठाकुर अम्मा उससे कहती है कि तुम सबको वही रखना, कहीं पर भी मत जाने देना। ठाकुर अम्मा इसके बाद रशीद कुरैशी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि उसके पोते ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2 लड़कियों का रेप कर दिया है। तुम्हें उन दोनों लड़कियों को मारकर अलग अलग काट कर फेंक देना है और लड़कों को अपने पास ही रखना है ताकि तब तक ये मामला ठंडा हो जाए। इसी बीच एक पुलिस वाला जर्नलिस्ट रवि को यह खबर दे देता है कि स्कूल के बाहर एक बड़ी लड़की के साथ छोटी लड़की भी किडनैप हो चुकी है। इस वजह से जर्नलिस्ट रवि अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को बताता है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है। पुलिस ने FIR तक नहीं लिखी है। पुलिस को शर्म आनी चाहिए, उनके शहर में 2 लड़कियां गायब हो चुकी है और पुलिस ने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ठाकुर अम्मा का पोता बिच्छू और उसके दोस्त लोग नंदिनी और सीमा को कहीं पर ले जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा होता है कि उन्होंने जो किया उन्होंने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के अंदर किया है और उनका नंदिनी को उठाने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने उसे भी उठा लिया और उसका रेप भी कर दिया। रशीद वैन ड्राइवर को उसकी लोकेशन पूछता है और उसे वही रहने के लिए कहता है। इधर समीर भी उस गाँव में पहुंच जाता है जहाँ का एक आदमी बताता है कि पास में एक वैन जल रही है। तभी फिर समीर और कुल्फी वाले चाचा उस वैन के पास पहुंच जाते हैं लेकिन गांव वाले बताते हैं कि उस वैन के अंदर कोई भी लड़कियां नहीं है। समीर उनसे कहता है कि उस वैन के अंदर लड़कियां थी। इस वजह से सारे गांव वाले मिलकर सीमा और नंदिनी को ढूंढने लगते हैं। सीमा मिल जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है लेकिन वे जिंदा होती है, इसीलिए फिर उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। पुलिस और जर्नलिस्ट रवि भी वहां पर आ जाते हैं। समीर अपनी बेटी नंदिनी को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद नंदिनी भी मिल जाती है जो खून से लथपथ होती है। जर्नलिस्ट रवि नंदिनी की हालत देखकर शॉक में रहता है और वे अपने न्यूज चैनल के कैमरा को बंद करवा देता है। समीर नंदिनी को उठाता है और उसे भी तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में सीमा का भाई उसे बताता है कि ये सब कुछ किसने किया है ये उसे पता है। वे समीर को कहता है कि ये सब कुछ अम्मा ठाकुर के पोते बिच्छू ने किया है क्योंकि वे हर टाइम उसकी बहन सीमा के पीछे पड़ा रहता था। इसी दौरान डॉक्टर नरगिस को बताती है कि वो उनकी बेटी नंदिनी को नहीं बचा पाए। अब जिस घर से किसी टाइम डोली उठने वाली थी उस घर से अर्थी उठ रही है। समीर और नरगिस दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी नंदिनी इतना जल्दी उनका साथ छोड़ देगी। नरगिस अब यह कहकर समीर और उसके घर को छोड़कर चली जाती है कि वे जल्दी से जल्दी उसकी बेटी के रेपिस्ट को ढूंढे और उन्हें मार दे, नहीं तो वे कभी भी घर वापस नहीं आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि समीर उस इंस्पेक्टर के घर में घुस जाता है और उससे पूछने लगता है कि कुल्फी वाले चाचा कहां पर है क्योंकि वो 1 महीने से गायब है और कुल्फी वाले चाचा ही इस केस के मेन विटनेस होते हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि अब तक तो अम्मा ठाकुर ने उसे ठिकाने लगा दिया होगा, तुम इन सबको एक बुरा हादसा समझकर भूल जाओ। अम्मा ठाकुर तुम्हें 14-15 लाख हंसते हंसते दे देगी, फिर तुम एक और बच्चा अडॉप्ट कर लेना, लेकिन इस बार लड़का करना क्योंकि लड़कियां नाम बर्बाद करती है। ये सुनते ही समीर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वहां पर कांस्टेबल्स आ जाते हैं जो समीर को पकड़ लेते हैं और फिर एक इंस्पेक्टर को मारने की वजह से समीर को सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि अम्मा ठाकुर के पास उसके पोते के दोस्तों के पापा लोग आ जाते हैं जो अपने लड़कों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन अम्मा ठाकुर उन्हें कहती है कि उनके लड़के उनके पास सेफ है,
और जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता वो उन्हें बाहर नहीं आने देगी। अम्मा ठाकुर को पता चलता है कि समीर ने इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और अब वे रुकने वाला नहीं है, इसीलिए वे राशिद कुरैशी को कहती है कि वे समीर को ठिकाने लगा दे। इधर जेल का कैदी समीर को एक छोटा सा चाकू देता है और उससे कहता है कि कल तुम्हें राशिद कुरैशी का आदमी जायसवाल मारने आने वाला है, अगर तुमने जायसवाल को ही मार दिया तो तुम यहाँ के शेर बन जाओगे। अगली सुबह जब जायसवाल अपने साथियों के साथ समीर को मारने आता है तब उल्टा समीर ही उसके साथियों को मार देता है और वह जायसवाल से भी बहुत ही तगड़ी फाइट करता है। जायसवाल सब पर भारी पड़ जाता है और जानवरों की तरह सबको मारने लगता है, लेकिन फिर भी समीर उसे खत्म कर ही देता है क्योंकि सब यही चाहते थे कि समीर जायसवाल को मार दे। इधर सीमा 2 महीने के बाद कोमा से बाहर आती है और फिर वो उन लड़कों के नाम बता देती है। अपने चैनल के माध्यम से जर्नलिस्ट रवि उन सब लड़कों का नाम सबके सामने लेकर आ जाता है जिसने सीमा और नंदिनी को किडनैप किया था, लेकिन वे अम्मा ठाकुर के पोते का नाम नहीं बताता। इधर हम अम्मा ठाकुर को देखते हैं जो नरगिस के घर जाकर उससे कहती है कि वह अपने पति समीर को संभाल ले, उसे जेल में ही बैठे रहने के लिए बोले, नहीं तो वो खामखा मारा जाएगा। नरगिस डरती नहीं है, वो कहती है कि कईयों ने मेरा रेप किया, कई बार किया, एक हफ्ते तक किया, तब भी मैं टूटी नहीं, तो तुम्हारे घर वाले मुझे क्या तोड़ेंगे। इधर समीर जेल से रिहा हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि लड़के कसाईयों के इलाके में है, इसीलिए फिर वे उस जेल के कैदी के आदमियों के साथ उन लड़कों को मारने के लिए निकल जाता है और रास्ते में जो भी कसाई उसे रोकते हैं वे सभी को मारकर आगे बढ़ जाता और राशिद कुरैशी की जगह तक पहुंच जाता है और वहां जाकर राशिद कुरैशी के साथ उसके आदमियों को और उसके साथियों को मार देता है। वहां उसे एक लड़का अभिनव और वैन ड्राइवर मिल जाता है, लेकिन बाकी के 2 लड़के गायब होते हैं, उनमें अम्मा ठाकुर का पोता भी होता है, उसने ही सीमा को किडनैप करने का प्लान बनाया था। वैन ड्राइवर मौत की भीख मांगने लगता है, वे समीर को कहता है कि वो अम्मा ठाकुर के सारे काले राज बता देगा, उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा। वो कहता है कि इन 3 लड़कों ने मिलकर बारी बारी से सीमा का रेप किया और उन्हें बेड से मारा, साथ ही इसने यानी कि अभिनव ने तो उस छोटी बच्ची का रेप कर दिया। ये सुनकर समीर अपने आप को नहीं रोक पाता और वे उस लड़के अभिनव को जान से खत्म कर देता है। समीर को बिच्छू के बारे में पता चल जाता है कि वे कहां पर है। दरअसल बिच्छू इजिप्ट में अपने बाप कमलेश ठाकुर की पनाह में होता है। समीर के साथी उसे मना करते हैं कि वे इजिप्ट अकेला ना जाए, लेकिन समीर किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वहां पर नरगिस आती है और वो भी समीर को इजिप्ट जाने से मना करती है, लेकिन समीर कहता है कि अभी भी एक बाकी रह गया है और तुम जिस समीर के साथ रहती थी वो समीर अब कभी भी वापस नहीं आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वैन ड्राइवर ठाकुर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। एसपी समीर को कहता है कि वे इजिप्ट जाकर बिच्छू ठाकुर को खत्म कर दे, उनकी पुलिस फोर्स इजिप्ट में कुछ भी नहीं कर सकती, अगर वो वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस से बात करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो समीर को कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। समीर एसपी को पूछता है कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तब एसपी कहता है कि मेरी भी एक बेटी है और वह भी चाहती है कि समीर उस रेपिस्ट को मार दे। इसके बाद समीर सीमा के भाई के साथ इजिप्ट पहुंच जाता है और वहां एक कैब ड्राइवर की मदद से एक गन डीलर से मिलता है और उससे गन लेता है और साथ ही उस डीलर से उनकी मदद करने के लिए कहता है और वो डीलर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को समीर को पता चलता है कि बिच्छू ठाकुर उसके बाप कमलेश ठाकुर की पनाह में है और उसकी निगरानी में काफी लोग लगे हुए हैं, वो रात को उस पर हमला नहीं कर सकते इसीलिए उन्हें सुबह ही हमला करना होगा। इस वजह से फिर समीर सुबह ही हमला करता है, लेकिन इस बारे में कमलेश ठाकुर को पता चल जाता है कि समीर उसके बेटे को मारने आया है। समीर कमलेश ठाकुर के सभी आदमियों को धीरे धीरे खत्म करके बिच्छू तक पहुंचने लगता है, लेकिन कमलेश ठाकुर अपने बेटे को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। सीमा का भाई समीर को बताता है कि बिच्छू उस कार के अंदर जा रहा है। इसके बाद समीर उनका पीछा करने लग जाता है। कमलेश ठाकुर के आदमी समीर पर बहुत फायरिंग करते हैं और समीर भी कमलेश ठाकुर की कार की पेट्रोल टैंक पर फायरिंग करके उनकी कार को ब्लास्ट कर देता है और फिर कार में से बिच्छू को निकाल कर उसे मारने लगता है और उसका टेटवा दबा कर उससे कहता है कि तुझे रेप करने का बहुत शौक है ना, अब करना रेप। लेकिन तभी पीछे से उसका बाप कमलेश समीर को पकड़ लेता है। समीर कमलेश ठाकुर को कुत्ते की तरह मारता है। इसी बीच बिच्छू वहां से बचकर भागने लगता है, लेकिन सीमा का भाई उसे पकड़ लेता है। बिच्छू सीमा के भाई को मारने लगता है। इधर समीर बिच्छू का पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर उसके टेटवे पर लात पे लात मारता है और फाइनली यहाँ पर समीर एक रेपिस्ट बिच्छू को मार ही देता है और अपनी बेटी का बदला ले ही लेता है। इधर ये बात अम्मा ठाकुर को पता चल जाती है कि उसके पोते को समीर ने मार दिया है, इस वजह से वो सदमे में रहती है। तभी उस घर की एक लड़की को वह अपने बाल बनाने के लिए कहती है और तभी वह लड़की अपने बालों से हेयर क्लिप निकाल कर अम्मा ठाकुर की गर्दन में घुसा देती है, जिस वजह से अम्मा ठाकुर वहीं पर मर जाती है। दरअसल अम्मा ठाकुर उस लड़की का यूज करती थी, उसे टॉर्चर करती थी। नरगिस समीर को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और ये जानकर समीर बहुत खुश होता है। इसके साथ ही जब समीर को नरगिस बाहर लेकर आती है तो वे देखता है कि काफी लोगों की भीड़ जमा होती है। सभी लखनऊ के लोग होते हैं जिनमें से कुछ तो समीर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और कुछ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी होता है जिसकी बेटी गायब हो चुकी है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही होती है, इस वजह से वो समीर से मदद लेने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक महिला का रेप होता है।
और इतना ही नहीं, हर साल 7,200 से भी ज्यादा नाबालिग बलात्कार का शिकार होती है। भारत की डेमोक्रेसी और इसकी संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। क्या अब भी लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान एक महान देश है? हिंदुस्तान एक महान देश हुआ करता था। कहां गई वे सभ्यता, कहां गए वे बड़े बुजुर्ग? हिंदुस्तान कभी एक राम राज्य हुआ करता था जब बच्चे बूढ़े और औरतें सेफ रहती थी। भगवान राम भी सोचते होंगे कि ये वही भूमि है जहां पर मेरा इतिहास पैदा हुआ था। क्या पूछती होगी सीता मैया उनसे? वो देखती होगी कि इंसान अब कैसा बन गया है। कब तक हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? कब तक हम हर हफ्ते ऐसे रेप देखते रहेंगे? आंखें नम हो जाती है, लेकिन हमें थकना नहीं है, हमें लड़ना है, जैसे राम रावण से लड़े थे और देशभक्त अंग्रेजों से। अपने अंदर को राम को चाहिए, उस चरित्र को जगाइए। कल को कोई बेटी आपकी माँ शायद आपके घर की हो सकती है। इस मूवी की कहानी हमारे सामने भारत की सच्चाई को लाकर रखती है, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर हो रहा है 2022 के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।